न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आगामी लोकसभा चुनाव में पुलिस ने अभी से क्षेत्रवासियों को सुरक्षा का संदेश देना शुरू कर दिया है। जनपद टिहरी के चंबा क्षेत्र में हनुमान चौक, साई चौक और कोटी चौक पर अर्धसैनिक बल और ITBP के जवानों की तैनाती कर दी गई। एडिशनल SP JR जोशी ने अर्धसैनिक बल और ITBP के जवानों को ड्यूटी पर तैनात होने के बाद कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। एडिशनल SP JR जोशी ने बताया कि मुख्य रूप से जवानों को अपनी ड्यूटी में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। संदिग्धों पर नजर रखने के लिए भी कहा गया है। अगर क्षेत्र में कोई भी असामाजिक और शरारती तत्व क्षेत्र का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस CCTV कैमरों से भी क्षेत्र की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नजर रख पाएगी। SP ने बताया कि अर्धसैनिक बल और ITBP के जवानों को अभी से तैनात करने का केवल यही उद्देश्य है कि लोगों में सुरक्षा की भावना बनी रहे और लोग बिना किसी दबाव के अपने वोट डाल सके। नगर निगम ऋषिकेश परिसर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समाज कल्याण आधार कार्ड और नगर निगम की टीम लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए बैठी है। मौके पर 12 शिकायतें दर्ज की गई, जिनका समाधान जल्द करने का दावा नगर आयुक्त और संबंधित विभागों की टीम ने किया है। इस दौरान मुस्कान कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया। बुधवार को नगर निगम परिसर में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में गिनती के लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। ज्यादातर शिकायतें नगर निगम से संबंधित पहुंची। आधार कार्ड और समाज कल्याण विभाग की शिकायतों को लेकर 3 से 4 लोग ही पहुंचे, जबकि 7 से 8 शिकायतें नगर निगम से संबंधित दर्ज की गई है। नगर आयुक्त और संबंधित अधिकारियों ने समस्याओं को सुनने के बाद समाधान जल्दी करने का दावा किया है। मौके पर मुस्कान कार्यक्रम का भी शुभारंभ नगर आयुक्त ने रिबन काट कर किया। हमारा जो साप्ताहिक जो सुनवाई शिविर है वो आज आयोजित हुआ बुधवार को, और उसमें 12 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और जिनका कि हमने कुछ ऐसी शिकायतें थी जिनके मौके पर निस्तारण हो सकता है तो 1-2 दिन में हम कर देंगे, और बाकी के लिए हमने जो है संबंधित अनुभाग को निर्देशित किया है कि वे इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई है उसको सुनिश्चित करेंगे। गंगा भोगपुर के ग्रामीणों के साथ प्रशासन की बैठक बेनतीजा रही। ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का निर्णय बरकरार बताया। बुधवार को यमकेश्वर विकासखंड के गंगा भोगपुर तल्ला और मल्ला के ग्रामीणों के साथ तहसील और राजजी प्रशासन के अधिकारियों ने बैठकर समस्याएं सुनी। बैठक में ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र के विकास में राजजी के काले कानून आड़े आ रहे हैं, इसके दोनों गांवों को राजजी से मुक्त किया जाए। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि अगर गांव को पार्क क्षेत्र से मुक्त नहीं किया गया तो हमारा चुनाव बहिष्कार का निर्णय यथावत रहेगा। तहसील प्रशासन की यह बैठक बेनतीजा रही है। बैठक में मौजूदा यमकेश्वर के उपजिलाधिकारी चतर सिंह चौहान ने बताया कि ग्रामीणों की बात को उच्चाधिकारियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाएगी, आगे की कार्रवाई सरकार को करनी है। अन्य मूलभूत सुविधाओं के और समस्याओं को समाधान संबंधित विभागीय अधिकारियों को कहा जाएगा। बैठक में प्रभारी खंड विकास अधिकारी जगमोहन सिंह बिष्ट, वन क्षेत्राधिकारी गहरी रेंज राजेश जोशी, शीला रेंज के रेंजर BD तिवारी सहित ग्रामीण मौजूद नजर आए। रायवाला स्थित होशियारी माता मंदिर प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें महिला सम्मान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। क्षेत्र की महिलाओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ऋषिकेश की निवर्तमान मेयर अनीता ममगई और विशिष्ट अतिथि सत्यसाई संजीवनी अस्पताल रायवाला की मुख्य चिकित्सा प्रणीति दास ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में स्थानीय बाल बालिकाओं और महिलाओं ने विभिन्न सांस्कृतिक गीत नृत्य प्रस्तुत किए। आयोजक महिलाओं द्वारा सामूहिक नृत्य में उपस्थित लोग खूब थिरकते हुए नजर आए। कार्यक्रम में बोलते हुए ऋषिकेश की निवर्तमान मेयर अनीता ममगई ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत 1911 में जर्मन महिला क्लारा जेटकिन के नेतृत्व में हुई। तब से महिला अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मनाया गया है। मोदी सरकार ने महिलाओं को 33 आरक्षण देकर उनको अधिकार देने का काम किया है। इस अवसर पर उन्होंने महिला दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रणीति दास ने कहा कि बेटी का जन्म 2 खानदानों का नाम रोशन करने के लिए अहम होता है। बहनें उस चीज के लिए खुश हैं और सभी दिल से माननीय मोदी जी का धन्यवाद कर रही हैं। तो हम सभी उन बहनों को भी ये कहना चाहूंगी मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कि मातृ शक्ति को अपनी शक्ति को भी पहचानना होगा, और जिस प्रकार से कि हमारी सरकार माननीय मोदी जी मातृ शक्ति के लिए हर समय आगे आके काम कर रहे हैं, तो मातृ शक्ति को भी अपनी उस छुपी हुई प्रतिभा को पहचान कर आगे आके राष्ट्र हित के लिए लगातार खुल के आगे आके काम करना होगा। सितारगंज में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सितारगंज से अलग अलग मंदिरों से कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। बुधवार को कटियाबा रोड स्थित मौनी बाबा मंदिर, जेल कैंप रोड स्थित प्राचीन भूमिया देवी मंदिर, चीती मजरा स्थित शिव मंदिर, मीना बाजार स्थित साई मंदिर से सैकड़ों की संख्या में कांवड़िया सितारगंज से हरिद्वार पवित्र गंगा जल लेकर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ को शक्ति फार्म स्थित प्राचीन झारखंडेश्वर मंदिर में जल चढ़ाने के लिए रवाना हुए। इस दौरान कांवड़ियों ने गाड़ियों पर सजाए DJ की धुन पर खूब नृत्य किया। इससे पहले कांवड़ियों ने शेर का भ्रमण कर भोलेनाथ के जयकारे लगाए, जिससे सितारगंज शिव में
परिवर्तित हो गई। बता दें कि हर साल सैकड़ों की संख्या में कांवड़िया हरिद्वार से पवित्र जल लाकर शक्ति फार्म स्थित झारखंडेश्वर मंदिर में भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा रूट पर जंगली हाथी आ जाने से अफरा तफरी मच गई। हरिद्वार श्यामपुर के बीच तिरछे पुल पर जंगल की ओर से अचानक हाथी आ धमका, जिससे वहां ट्रैफिक पूरी तरह से थम गया। गौरतलब है कि इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है और ग्राम हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर कांवड़ियों की भारी भीड़ है। गनीमत यह रही कि हाथी ने किसी कांवड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हाथी को देखकर मौजूदा श्यामपुर थाना पुलिस ने ट्रैफिक को रोक दिया और हाथी के गुजर जाने के बाद ट्रैफिक को चालू किया। आम आदमी पार्टी ने बुधवार को हरिद्वार में एक नई शुरुआत की है। आपने बैरागी कैंप में रहने वाले गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए आपकी पाठशाला के नाम से एक पाठशाला शुरू की, जिसमें बैरागी कैंप में रहने वाले गरीब असहाय परिवारों के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जिसके बाद इन बच्चों को वहां पर बैठकर पढ़ने की सुविधा मिल सकेगी। आपने इसकी शुरुआत करते हुए छोटे छोटे बच्चों को पेंसिल किट भी उपलब्ध कराई है। आपके जिलाध्यक्ष संजय सैनी ने कहा कि भविष्य में जहां भी कहीं आवश्यकता होगी वो पाठशाला के लिए हर तरह की मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में नई शुरुआत है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति कर रही है। जितने भी सरकारी स्कूल हैं सारे नए कर दिए गए हैं, जिसमें जो भी शिक्षा संबंधी सुविधाएं हैं बना दी गई हैं। शिक्षिका मनीषा का कहना है कि पाठशाला खोलने से बच्चों को काफ़ी लाभ मिलेगा। काफ़ी हद तक लाभकारी साबित होगा, क्योंकि ये समस्या अब से नहीं 2014 से चल रही है सर। तो यहाँ पर पहले जैसे कि टीन शेड था बनाया हुआ था, तो ये 2021 के महाकुंभ में तोड़ दिया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसके बाद में बहुत कहा है मैंने, पर किसी ने सुनवाई नहीं की और बनवाया नहीं गया। तो बच्चे खुले में पढ़ रहे थे, जो ट्यूशन में शाम के समय पढ़ाती हूँ तो उस समय में बच्चे खुले में। तो एक दिन सर आए, मैडम आई, तब मैंने उनको बताई ये समस्या। तो उसके बाद उन्होंने शेड डलवाया जी। तो अब बच्चे खुले में नहीं पढ़ेंगे, उनके लिए टीचर। हरिद्वार के अधिशासी अधिवक्ता संघ ने जनता विधायक खानपुर उमेश कुमार का सम्मान और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पूर्ण समर्थन का आश्वासन हरिद्वार जिला अधिवक्ता संघ के तत्वाधान में जिला न्यायालय अधिवक्ता परिसर रोशनाबाद में विधायक उमेश कुमार का जोरदार स्वागत किया गया। सम्मान और स्वागत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूदा विधायक उमेश कुमार ने प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में विजयी दिलाने के लिए सभी अधिवक्ताओं का आभार भी व्यक्त किया है। अधिवक्ता हमारे जो है वो एक समाज का सबसे मजबूत स्तंभ में गिने जाते हैं, और सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं और हमारे साथी सहयोगी जो हमारे छोटे बड़े सभी का जो प्यार मिला, जो सहयोग मिला, उसके लिए मैं पूरी बार एसोसिएशन का हृदय से आभारी हूँ। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी पर भाजपा ने नो चेंज का रुख अपनाया। इसी क्रम में बीजेपी से अयोध्या के मौजूद सांसद और भाजपा के नव घोषित प्रत्याशी लल्लू सिंह लोकसभा क्षेत्र दरियाबाद पहुंचे। अयोध्या सांसद ने बुढ़वा बाबा महादेव मंदिर, कोठवा धाम, जगजीवन साहब बाबा हनुमान मंदिर, सुमेरगंज पूजा अर्चना के साथ भगवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार में लगातार संपूर्ण विकास हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में पुनः टिकट दिया गया है। 2024 में मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम किया जाएगा। लल्लू सिंह ने कहा कि भाजपा जातीय राजनीति नहीं करती, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करती है। एक युवक ने पहले एक शादीशुदा महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर मंदिर में शादी रचाकर शारीरिक संबंध बनाकर पत्नी मानने से इनकार कर दिया। मामला झांसी के शाजापुर थाना क्षेत्र के ग्राम बकुआ बुजुर्ग का है, जहां प्रिंस कुशवाहा नामक युवक जो पहले से शादीशुदा है और दो बच्चे भी हैं, उसने गांव की एक युवती जो पहले से ही शादीशुदा थी, जिसका अपने ससुराल वालों से कलेश चल रहा था, शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। युवती का कहना है कि उसने मंदिर में शादी किया, वो पीड़िता को अपने घर रखने से इनकार कर रहा है। अब पीड़िता न्याय की आस में शिकायती पत्र लेकर दर दर भटक रही है। इतना ही नहीं, थाने से लेकर जिले के प्रशासन से गुहार लगा चुकी है, लेकिन बस आश्वासन मिल रहा है, जिससे वो बेहद परेशान है। पीड़िता ने शाहजहापुर पुलिस से शिकायत की तो 20 दिन बाद रीति रिवाज से शादी करने का आश्वासन देकर सुलहनामा करा दिया, और अब युवती दर दर भटक रही है। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण और संदिग्ध व्यक्ति वाहन की पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की जा रही है। थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान कस्बा नकुड़ जनक बाजार में एक सफेद रंग की गाड़ी i20 कार रात को मिली है, और संदिग्ध मिलने पर इसे रोका गया, चेक किया गया। यहां से इसमें से 38 लाख रुपए बरामद हुए हैं, जिनके कैश और कार के संबंध में कोई भी पेपर नहीं मिल पाए हैं, जिसकी वजह से इस पूरे मामले में आगे छानबीन की जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस सीमा पर चेकिंग कर रही थी, इस पर एक वाहन पकड़ा जिसमें कि 38.5 लाख रुपए कैश लगभग मौजूद था, और इसमें जो गाड़ी में सवार पांचों व्यक्ति हैं उनसे जब कैश के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया तो कोई संतोषजनक कारण वो नहीं बता पाए, ना ही कोई कागजात दिखा पाए। इस पर वो कैश और वाहन नायब तहसीलदार की मौजूदगी में उसे सीज किया गया है और ट्रेजरी में जमा करवाया गया है। फरुखाबाद में गुमशुदा मोबाइल बरामद कर मोबाइल मालिकों को सौंपे गए हैं। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि 101 मोबाइल जिनकी कीमत 24 लाख रुपए है बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया गया। सवलांस टीम प्रभारी विशेष कुमार, अनुराग, संदीप राव,
की टीम ने इन्हें बरामद किया है। बस्ती के लालगंज थाना क्षेत्र के चिरवनिया गांव में रास्ते के विवाद में 70 साल के बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। रास्ते पर मिट्टी पाटने के विवाद में सगे भाइयों के परिवारों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में 60 साल के बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि राम प्रवेश बुधवार की सुबह करीब 7 बजे अपने सगे भाई राजमणि सिंह के मकान और अपने मकान के बीच में बने निजी रास्ते को पटवा रहे थे। इसी मामले को लेकर दो भाइयों के परिवार में तो मैं हो गई और गाली गलौच हो गई। तो उसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर हमला हो गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। लालगंज अंतर्गत जिस चिलवनिया गांव की आप बात कर रहे हैं, बेसिकली वो एक अपने परिवारी जने के लोग थे, चचेरे भाइयों का ही मामला था। आपसी सहमति से उन लोगों के घरों में आने जाने के रास्ते पहले से चल रहे थे। आज उस पर कुछ ईंट मिट्टी वगैरह डालने के लिए कुछ नवीनीकरण की बात संभवतः सवेरे के समय 7 बजे के आसपास की थी। उसी बात को लेकर के वहाँ विवाद हुआ और जिसमें एक लगभग 80 से 90 साल उनकी उम्र रही होगी, उनको जो चोटें आई, जिसमें वहाँ हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। उनके बच्चों को भी जो चोटें आई हैं उनका भी मेडिकल कराया गया है। मृतक के नियमानुसार पंचायतनामा भर कर के एक पैनल के माध्यम से वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग का पंजीकरण हुआ है। इसमें जो दोषी हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई कराई जा रही है। आगरा मिस वर्ल्ड इक्वाडोर 2024 सेंट्रा अरवोरा ने वन जीव संरक्षण शिक्षा दौरे के दौरान भारत में वाइल्ड लाइफ SOS के हाथी संरक्षण और देखभाल केंद्र और आगरा भालू संरक्षण केंद्र का दौरा किया और NGO को देखरेख में रह रहे हाथी और भालुओं से मुलाकात की। उनके द्वारा भारत में वन्यजीव संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के संबंध में मशहूर हस्तियों के सहयोग देने की दिशा में एक सार्थक कदम साबित हुआ। सैंड्रा अलवोरा 23 साल की थी जब उन्हें मिस वर्ल्ड 2024 में इक्वाडोर के आधिकारिक प्रतिनिधि का ताज पहनाया गया। सेंटो डोमिंगो में जन्मी और पली बड़ी सैंड्रा ने पिछले साल वकील के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। सैंड्रा एल निकॉन डेलफ्रूतो की एम्बेसडर भी है, जो एक सामुदायिक संगठन है जिसका मानना है कि एक्शन गिव्स पावर टू आउट वॉइस। संगठन बच्चों के लिए स्वास्थ्य वातावरण को बढ़ाने में देने के लिए लगातार काम कर रहा है। बहराइच के थाना रामगांव इलाके के टिकवा पारा गांव में 48 वर्षीय हेमराज की संदिग्ध परिस्थिति में डूबकर मौत होने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि मृतक हेमराज अपने मित्र राजेंद्र के साथ बहराइच के छावनी स्थित ओरिएंटल बैंक में पैसा निकालने आया था। वापसी के वक्त जब वो संदिग्ध परिस्थितियों में झिंगा घाट में डूबकर उसकी मौत हो गई। संबंध में थाना अध्यक्ष रामगांव शशि कुमार राणा ने बताया कि युवक नशे की हालत में था, जिसकी डूब कर मौत हो गई है। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया गया है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। कहाँ के रहने वाले? थाना छोटा भाई। क्या नाम इनका? हेमराज वर्मा। अच्छा, कैसे मौत हुई? अब ये तो बहराइच को आया था पानी में डूबने से, पानी में डूब के कपड़ा साथ। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।